हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हैक दिस। सो आज हम बात करने वाले हैं जिप एंड अनजिप के बारे में। ओके, तो जिप क्या है एंड अनजिप क्या है। तो जिप पहले जान लेते हैं हम। जो आपके फोल्डर होते हैं, आपने 10-12 फोल्डर बना लिए, आपको वो एक ही फोल्डर में रखना चाहते हो जिप बना के। ओके, एंड उसको कॉम्प्रेस करना चाहते हो, उसकी साइज बहुत बड़ी है, उसको कॉम्प्रेस करना चाहते हो। ओके, जैसे 100 MB की फाइल है, आपको उसे जिप करना है तो कॉम्प्रेस हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए हम जिप का यूज करते हैं। एंड अनजिप के लिए आपने जो फाइल बनाई है उसको अनजिप करने के लिए, तो ये दो पैकेज है। तो आपको ये इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको टाइप करना है पैकेज इंस्टॉल, एंड यहाँ पे आपको जिप डालना है। सबसे पहले हम जिप के बारे में जानेंगे। ओके, तो जिप किया एंड ये देखिए, ये अब अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है एंड ये अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये देखिए 0 bit एंड इंस्टॉल। ओके, तो हमारा जो जिप है पैकेज वो इंस्टॉल हो गया है। जो जिप फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .zip होता है। एंड ओके, तो आप अब ls करेंगे। मैं यहाँ पे फाइल देख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, मतलब 10-12 फोल्डर बना लेता हूँ एंड आपको जिप करके बताता हूँ। तो मेक dir, आपको डायरेक्टरी बनानी हो तो मेक dir, एंड आपको फाइल बनानी हो तो टच। यहाँ पे मैं 1, 2, 3। ओके, तो मैंने 7 फाइल बना ली है। एंड ls करेंगे तो ये देख सकते हो आप, मैंने 7 फाइल बना ली है। तो हम ये जो फाइल है 7, ये एक ही फोल्डर में चाहते हैं, मतलब जिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कमांड होती है। ओके, तो आप ये टाइप कीजिए जिप, आप जिप करना चाहते हैं इसके लिए जिप। एंड यहाँ पे आपको कौन सा फाइल का नाम रखना चाहते हो, जैसे मैं हैक्टिच एंड .zip लगाना है आपको। मैंने आपको बताया था जो एक्सटेंशन होता है वो आपको जिप रखना है। एंड यहाँ पे आपको 1, 2, 3। ओके, जो हमने फोल्डर बनाए थे 1, 2, 3, 7। ओके, तो वो हमें जिप करना है, मीन्स एक ही फोल्डर में हमको कॉम्प्रेस करना है। तो एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जिप लिखना है। आप जिस भी फाइल में सेव करना चाहते हो उस फाइल का आपको नाम डालना है। ओके, तो आप जो आपको फाइल पहले से बनी भी नहीं है आपको यहाँ पे वो डालना है। ओके, जैसे मैंने hacktish.zip डाला, एंड आपको याद रखना है कि .zip लगानी होगा। ओके, एंड यहाँ पर आपको कौन सी फाइल जिप करनी है उसके नेम डालने हैं। जैसे मैंने ये 5-7 फाइल के नाम डाल दिए, मीन्स फोल्डर के नाम डाल दिए। यहाँ पे मैंने 7 फोल्डर के नाम डाल दिए। ओके, एंड आप एंटर करेंगे तो ये देखिए, ये एडिंग 1, 2, तो ये हमारे ऐड हो चुके हैं। ओके, एंड आप ls करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक न्यू फोल्डर बन चुका है hacktish.zip के नाम से। तो आप इस जिप के फोल्डर को, जैसे मैं यहाँ पे ये 1, 2 जो हमने 7 फोल्डर बनाए हैं वो डिलीट करना चाहते हैं। ओके, तो आप कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे जिप फोल्डर में सेव कर लिए उसको। ओके, तो हमने ये जो फोल्डर है वो जिप कर लिए। तो rm मीन्स रिमूव स्लैश रिकर्सिव फोर्सफुली एंड 1, 2, 7। ओके, एंड फोल्डर नेम एंड ls। तो ये देख सकते हो मैंने जो फोल्डर है वो सब डिलीट कर दिए। एंड आपको अब क्या करना है, जो हमने जो hacktish.zip बनाया है उसको अनजिप करना है। तो उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा अनजिप। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए सबसे फर्स्ट। तो पैकेज इंस्टॉल अनजिप। ओके, एंड एंटर, तो ये अवेलेबिलिटी चेक करेगा एंड ये देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है। आपको मैं ls करके बताता हूँ। ओके, सो हमने जो hacktish.zip फोल्डर बनाया है, ओके, तो उसको हमें अनजिप करना है। तो उसके लिए कमांड होती है, हमने अभी भी जो अनजिप पैकेज है वो इंस्टॉल किया है, तो आप यहाँ पे अनजिप टाइप कीजिए एंड जो भी फोल्डर का नाम हो वो, तो आपको याद रखना है कि .zip होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो एंटर। तो ये देखिए क्रिएटिंग 1, 2, 3, तो जो हमारे
फोल्डर है वो क्रिएट हो चुके हैं। एंड ls करेंगे तो ये देख सकते हो आप, हमने जो फोल्डर बनाए थे सबसे फर्स्ट एंड रिमूव भी किए थे वो दोबारा से आ चुके हैं। ओके, एंड आप दोबारा से इसे रिमूव करेंगे एंड इसे अनजिप करेंगे तो ये बाद में भी आ जाएंगे। ओके, तो ये था आज का वीडियो जिप एंड अनजिप का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके।